नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। विश्व भर में हर साल लगभग 60,000 मौत रेबीज की वजह से होती है और इन 60,000 के आंकड़ों में सबसे ज्यादा लगभग 20,000 मौत भारत में ही दर्ज की जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां रेबीज से होने वाली मौत का आंकड़ा दर्शाया ही नहीं जाता। इन मौतों का सबसे बड़ा कारण रेबीज के प्रति लोगों में जागरूकता का ना होना और इसी जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए गुरुग्राम के निजी अस्पताल द्वारा अनोखी शुरुआत की गई है, जिसमें एक मोबाइल वैन यानी कि पेट एम्बुलेंस चलाकर न केवल लोगों को रेबीज के प्रति जागरूक किया जाएगा, बल्कि स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स और घरों में पलने वाले पेट्स जिनमें डॉग्स और कैट्स शामिल हैं, जहाँ उनकी फ्री वैक्सीनेशन की जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, रेबीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ है जो पशुओं से मनुष्य में लग सकता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी पहल है DCC एनिमल हॉस्पिटल की, जिसमें जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, कैंप्स तो लगते रहे हैं, बट एक मोबाइल वैन के माध्यम से, जिस तरह अपने माननीय PM साहब कहते हैं सरकार आपके द्वार, CM साहब का भी यही नारा है, तो आज इस मोबाइल वैन का ये जो इनॉग्रेशन हुआ है और ये जो कैंपेन 2 दिन का 28 और 29 को गुड़गांव और NCR एरिया के सभी लोकेलिटीज़ को कवर करने का जो इनका उद्देश्य है, तो ये मुझे बिल्कुल एक जीता जाता जागता उदाहरण लग रहा है कि जो है पशु चिकित्सक आपके द्वार, जहाँ पे जो हमारे बेसहारा एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, उनको वहीं पे लोकेशन पे जाके इनकी टीम जो है बहुत ही एनर्जेटिक और मोटिवेटेड टीम जो है, वो जाके वहाँ पे उन डॉग्स को वैक्सीनेट करेगी। और इसमें कुछ सिटीजन्स का भी मैं अनुरोध करूँगी, सिटीजन से भी, कि वो इस मुहिम में इनकी सपोर्ट करें एनिमल्स को रिस्ट्रेन करने में और इस चीज़ का जो है, इस चीज़ को आगे बढ़ावा दें, इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है और रेबिड डॉग से जब मनुष्य कोई बीमारी लगती है, ये जो वायरस है ये काफ़ी खतरनाक और वायलेंट है, परंतु इसका उपचार नहीं है पर इसका प्रिवेंशन है, और जैसे कि कहा जाता है इलाज से उपचार बेहतर, तो इसको प्रिवेंट करना राइट एट द सोर्स, और प्रिवेंशन का तरीका है वैक्सीन। और रेबीज़ वैक्सीन हम सब जानते हैं बहुत साल पहले लुईस पाश्चर ने ये बनाई थी, आज ही के दिन तैयार हुई थी, इनोकुलेट की गई थी, तो इसमें तो ये भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन आएगी तब इसको इसकी रोकथाम होगी, तो पहले ही जो है हम सबका ये दायित्व बनता है एक समाज में एक नागरिक होने की वजह से भी और प्रोफेशनल होने की वजह से भी, कि इस बीमारी को हम राइट एट द सोर्स इसको रोकें, कर्ब करें, तो अपने जितने भी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको आप वैक्सीनेट करवाइए इस मुहिम का, क्योंकि ये बिल्कुल DCC हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क ये सेवा दी जा रही है, और ये बहुत ही अच्छा समाज के लिए, एक सोशल कॉज के लिए ये काम कर रहे हैं, जिसमें मनुष्य और पशु दोनों को वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के तहत जो है ये सुरक्षित, उनको सुरक्षा देने के लिए बिल्कुल एक प्रहरी के रूप में ये टीम जो आज अभी रवाना हुई है, फील्ड में उतरी है गुड़गांव में और NCR में। RWE का कितना सहयोग मांगते हैं, और क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स के लिए है, तो क्या कहना चाहेंगे RWE के लिए कि वो भी सहयोग करें? RWE से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो प्लीज़ इस टीम को सहयोग भी करें और अपना भी योगदान, एज इन जो एफर्ट्स में वो अपना योगदान दें, और कई बार क्या होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों को या तो बढ़ावा नहीं देना चाहते या उनको कर्ब करते हैं, तो ये एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम किया जा रहा है, तो हम सबका दायित्व है कि हम इनका सहयोग करें, ना कि इनका विरोध करें। बिकॉज ये सवाल ये भी है कि शहर में लोग काफ़ी इसके लिए पहले से जागरूक है, पेट्स को भी वो करते हैं और स्ट्रीट के लिए भी आप लोग, लेकिन रूरल एरियाज में इस तरह की समस्याएं काफ़ी आती है, उसके लिए आप क्या प्रयास करें? रूरल एरियाज़ में मैं निवेदन करूँगी, क्योंकि जो स्ट्रे डॉग्स की समस्या है वो ज़्यादातर शहरी एरिया में ज़्यादा होती है, परंतु फिर भी रूरल एरियाज़ में मेरा निवेदन है पंचायतों से, पंचायत विभाग से, कि जो इस तरह के आपके सामने कोई केसेस आते हैं जहाँ आप देखते हो कि हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं रूरल एरिया में जो इस तरह के पशु हैं, तो वो नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, DCC हॉस्पिटल से संपर्क करें, और निस्संदेह आई एम प्रिटी श्योर कि उन एनिमल्स को भी वैक्सीनेट किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सभी पशु बराबर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में है चाहे ग्रामीण क्षेत्र में। एग्जैक्टली जो है ऑर्गेनाइजर्स आपको बता पाएंगे, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सोसाइटीज़ मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। थैंक यू सो मच।
दरअसल गुरुग्राम में भी कुत्तों के द्वारा काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो रोजाना गुरुग्राम में कुत्ते 30 से लोगों को काटकर जख्मी कर देते हैं। बीते 5 महीनों में 5,819 लोग कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज टीका लगवाने के लिए सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल पहुंचे हैं। लोगों में आवारा कुत्तों का डर बना हुआ है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कुत्तों को रेबीज की वैक्सीन दी जाए, जिसके लिए अब फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में चलाया जा रहा है, जहां घूम घूम कर रेबीज के प्रति जागरूकता और वैक्सीनेशन किया जाएगा। लोगों का प्लान किया है कि 28 जो हमारा आज का दिन है, इसके अंदर मैं NCR जैसे फरीदाबाद कवर कर रहे हैं, कुछ वसंत कुंज का एरिया है, कुछ हमारा उदय पार्क, कुछ ग्रेटर कैलाश का एरिया है, इसको हम आज कवर कर रहे हैं। कल के दिन गुड़गांव का एरिया है, जिसमें हमारा न्यू पालम विहार सेक्टर 23 ए और DLF Phase 1 सुशांत लोक और DLF Phase 2 ये हम लोग कवर कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन हमारा इनिशिएटिव आने वाले सालों में जो भी ओकेजन्स होंगे, हम लोग चाहेंगे जितना ज़्यादा हम लोग मतलब और एरियाज में पहुंच सके और डॉग्स को वैक्सीनेट कर सके। क्या सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के लिए है या अन्य डॉग्स के लिए? डेफिनेटली स्ट्रीट डॉग्स के लिए तो है ही यही, लेकिन कोई अपने भी एनिमल को भी लगवाना चाहे तो इज़ मोस्ट वेलकम, उसका स्वागत है लगाने के लिए, बिकॉज ये पहल सभी के लिए, सभी बिल्ली हो चाहे डॉग हो, हर एक के लिए लगवाना चाहिए। टारगेट भी रखा गया है कि कितने डॉग्स को वैक्सीनेट किया? सर ये टारगेट कहना और रखना बहुत नामुमकिन चीज़ है। हम चाहते हैं जितना हम कर सके, जितना हमारा प्रयास है, जितने लोग हमारे पास आए या हम पहुंच पाए, उतना संभव हो जाए वही काफ़ी है। RWS से क्या मदद ली जा रही है, क्या उनसे संपर्क किया जा रहा है? RWS से हम लोगों ने बातें की हैं, काफ़ी लोगों ने हमें मोस्ट वेलकम किया है, लगभग सभी ने वेलकम किया है, और कोशिश हमारी है कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो मैंने आपको एरियाज के नाम गिनाए वहाँ जाएंगे और वैक्सीनेशन उन लोगों के साथ कंप्लीट करेंगे। सर ये पहली हमारी शुरुआत है, मतलब शुरुआत हर समय छोटे से ही होती है, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा हमें सहयोग मिलेगा और मतलब जो हमारे साधन है वो साथ देंगे, तो आने वाले टाइम पे हम इसको हो सकता है कि फ्यूचर में और बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन आज जितना हम कर रहे हैं हमारे मतलब विद इन हमारी लिमिट्स में ही हम लोग इस काम को कर सकते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, रेबीज से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान होने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बीमारी फैटल है लेकिन 100% प्रिवेंटेबल है। समय पे वैक्सीन करवाना और समय पे डॉग की देखभाल करना और रेगुलर वैक्सीन करवाना, ये नहीं कि एक बार लगवा लिया और आपने छोड़ दिया। तो जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन आप ईयरली उसको फॉलो करेंगे और स्ट्रीट एनिमल्स को भी लगवाएंगे, आस पड़ोस में लोगों को जागरूक करेंगे, कभी भी कुत्ता काटने पे उस घाव पे मिर्ची या तेल या हल्दी कोई भी चीज़ ना लगाएं, उसको साफ़ रखें, पानी से धोएं और नज़दीकी अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी आपको नज़दीक से नज़दीक मिलता है वहाँ जाइए, आप वहाँ पे प्रिवेंशन हो सकता है। एक आखिरी सवाल, क्या डॉग बाइट के केसेस बीते सालों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या एक रीज़न है आपके ये प्रयास करने का, क्या रीज़न है आपने ये प्रयास किया? सर डॉग बाइट से केसेस डेफिनेटली हैं, बढ़ते हैं घटते हैं डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। नंबर वन, कितने रिपोर्ट होते हैं कितने रिपोर्ट नहीं होते ये भी हम लोगों के पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं होता, लेकिन यस पहल पहले भी थी, हर समय आदमी सोचता है। लुईस पाश्चर ने तो बहुत सालों पहले सोचा था कि इसकी वैक्सीन बननी चाहिए, उन्होंने बनाई, लेकिन हमारा कर्तव्य कि उस वैक्सीन का प्रॉपर इस्तेमाल करें, उस टेक्निक का इस्तेमाल करें और आने वाले समाज को और आज के समाज को हम उस चीज़ से बचाएं। भाई डॉक्टर की माने तो एक रेबीज इंजेक्टेड एनिमल के वैक्सीनेशन से दो की जान बचती है, जिनमें एक तो एनिमल खुद शामिल होता है, दूसरा रेबीज इंजेक्टेड एनिमल द्वारा काटा गया व्यक्ति। ऐसे में सभी RWA के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पंच सरपंचों से अपील है कि वो सभी एनिमल को समय समय पर नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले जाकर रेबीज इंजेक्शन अवश्य लगवाएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।